my dear students, a very big chapter. Of course, every one of you were concerned about this chapter a lot. But I'll assure you, bahut simple hai. Just the coverage is very big. That's why it looks very tougher. So let's divide the coverage. Chota chota cheez mein break up kar denge. To humko wo easy ho jayega. So of course, financial instruments, Ind AS 32, 107 and 109. 107 पे तो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस एट ऑल रिविजन में. माई फोकस विल बी 32, जहां पे मैं स्कोप और डेफिनेशन को डील कर लूंगा. एंड देन 109 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम डील करेंगे. आई हैव सिलेक्टेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स फ्रॉम द पास्ट आरटीपी एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम मॉक पेपर्स, वेर इन सब कवरेज हो जाए. दैट इज बीन ट्राइड, दैट एवरीथिंग इज कवर्ड. रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, एम्बेडेड डेरिवेटिव, सबका छोटा छोटा एग्जाम्पल करके एटलीस्ट सब कुछ रिवाइज हो जाता है बिफोर वी गो फॉर एग्जाम. सो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट विथ इंड एस 32 फर्स्ट ऑफ ऑल. इन विच दो ही चीज सीखना है हमको, स्कोप एंड डेफिनेशन. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड किधर अप्लाई नहीं करने का, द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड किधर नहीं अप्लाई होगा. ऑफ कोर्स दूसरी जगह पे जहां पे देर आर सम अदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल, लाइक इंटरेस्ट इन सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर. ऑफ कोर्स दिस इज अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विथ कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करते हो. सब्सिडरी के लिए 110, एसोसिएट के और जॉइंट वेंचर के लिए 28, और वही इन्वेस्टमेंट्स को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए 27 अप्लाई करते हो. अब वहां पे इन डेज 27 सेज दैट द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी इज ईदर टू बी कैरिड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड. So, वहां पे अगर इन डेज 27 में हमने ये ऑप्शन ले लिया कि वी विल कैरी इट एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस इन रिलेशन विद इन डेज 109, देन ऑफ कोर्स ये कवर करेगा. लेकिन वहां पे वो लोग फेयर वैल्यू मॉडल चूज नहीं किया है, कॉस्ट मॉडल चूज किया, तो बट ऑब्वियस इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ अवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड. फिर एक और फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, that is nothing but employee right in employee benefit plan. Ind AS 19 apply ho jata hai. Yeah, of course you had two types of employee benefits plan, actual gains and loss and all those things you have learned. To wahan pe hamara liability hai, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी. बट द प्रिंसिपल्स ऑफ 109, 32 अप्लाई नहीं करने का. थर्ड, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर कवर्ड बाय इंड एस 104. ऑफ कोर्स अगर एम्बेडेड डेरिवेटिव का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एम्बेडेड डेरिवेटिव, देन ऑब्वियसली द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड एस 109 विल अप्लाई देयर. वो सेग्रीगेशन करने का जो बात करते हैं हम लोग एम्बेडेड डेरिवेटिव में, वो अप्लाई होगा, बट बेसिक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई नहीं होता है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स contracts obligation under share based payment plan. Of course kyun nahi, covered by Ind AS 102.
लेकिन इंडेस 102 में भी एक एक्सेप्शन है जहां पे 109 अप्लाई होता है. हमने रिवीजन के टाइम पे भी ये बात किया था कि अगर अ ट्रांजैक्शन विच कैन बी सेटल्ड बाय इशूइंग शेयर्स, वहां पे नेट सेटलमेंट का भी पॉइंट रख दिया है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गो फॉर अ नेट सेटलमेंट, देन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेस 109 विल अप्लाई, और फिर वहां पे 102 अप्लाई नहीं होता है. ये हो गया हमारा छोटा सा स्कोप. अब फ्रेंड्स हम डेफिनेशन पे आते हैं. ये सबको डेफिनेशन मालूम है बट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ फाइनेंशियल असेट, व्हाट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी या एन इक्विटी. सो सबसे पहले तो व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बोलो क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? नथिंग बट, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट. और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? राइज टू फाइनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी एंड ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी. ठीक है, नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है. तो सबसे पहले तो ये एक एक पार्टी के लिए असेट है, दूसरा पार्टी के लिए या तो लायबिलिटी है या तो इक्विटी है ऑफ अनदर एंटिटी. लाइक आई मेक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, तो फॉर मी इट इज नथिंग बट एन असेट, बट फॉर एक्स लिमिटेड इज इक्विटी. आई मेक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सो फॉर मी इट इज इन्वेस्टमेंट्स, असेट है मेरे लिए फाइनेंशियल असेट, बट एक्स लिमिटेड के लिए वही फाइनेंशियल लायबिलिटी. तो अभी तुमको पॉइंट आएगा, सर तो इसका मतलब हमको फाइनेंशियल असेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये हमको समझना है. सो फ्रेंड्स व्हाट इज फाइनेंशियल असेट? वेरी सिंपल, फर्स्ट पॉइंट कैश. नो पॉइंट इन दैट, कैश इज अ फाइनेंशियल असेट. इट एक्चुअली इंडिकेट्स अ राइट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट of another entity contractual right. बराबर, क्या है contractual right? To receive cash, debtors है, so don't you think from debtors I have a right to receive money from the debtors, so contractual right to receive cash or another financial asset. Within C only I am talking about, second point, to exchange financial asset or financial liability with another entity under conditions that are potentially favorable. To the entity. Conditions which are potentially favorable to the entity. And D. Nothing but I am a holder of an option. Call option ka holder hai, ya to put option ka holder hai. So nothing but I have a right to exchange financial asset or a financial liability with another entity under condition that are potentially favorable. A contract. That will be settled in the entity own equity instruments. And is either non-derivative or a derivative. या तो वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिविटी है या सो
when I say it is non-derivative, nothing but I will be receiving variable number of shares. Derivative means nothing but fixed number of shares milega. Ye ho gaya mera financial asset. Theek hai? I hope everybody knows, isme koi bada baat nahi, but ye hamara definition hai. Ki ye financial asset hota hai. Toh, what is financial instrument? Tabhi ye standard apply hoga na. Ki we exchange financial asset. It gives rise to financial asset for one entity. And financial liability to the another. Toh, iska ulta, financial liability. Let us talk about what is the financial liability. उधर कैश था तो इधर ऐसा मत बोलना कैश का उल्टा नथिंग बट कैश के बाद क्या था हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अनदर एंटिटी वो भी नहीं आएगा थर्ड क्या था उधर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश कहने से फाइनेंशियल लायबिलिटी में उल्टा कर दो उसको क्या हो जाएगा बाबा दो ही पॉइंट है उधर जैसे इधर ए बी सी डी था हियर यू हैव ओनली ए एंड बी व्हाट कॉन्ट्रैक्चुअल नॉट राइट ऑब्लिगेशन To deliver, you have contractual obligation. I'll make two. One, to deliver cash or another financial asset. Second, exchange financial asset or financial liability. With another entity in conditions which are वहां पे क्या था potentially favorable तो इधर क्या कर देने का conditions that are potentially unfavorable to the entity. Second, contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments. The contract will or may be settled in entity's own equity instrument. And that contract can be a non-derivative, yeah, wherein you have to issue variable number of shares, or it can be a derivative, wherein fixed number of equity instruments are to be issued. ठीक है ये हो गया हमारा financial liability. What was financial instrument, friends? Financial instruments is nothing but a contract that gives rise to financial asset for one or financial liability or equity for the another. Mere liye financial asset, tumhare liye financial liability. Mere liye financial asset, tumhare liye equity. To bhi last aa jata hai sir, equity kya hota hai? What is equity? Aur is base pe hamara definition khatam kar dete hain. Any contract that evidences residual interest in the assets of the entity after deducting its liability. Nothing but just contract which evidences residual interest in the assets of the entity. Basic stuff, my dear kids. अब एक और definition होता है वो सबको मालूम है fair value. हाँ, what is nothing but the price that would be received on sale of asset or paid to settle a liability between willing parties in an arm length price transaction. वो fair value होता है.
of course, between market participant on a major mandate. वो fair value का definition में नहीं लिख रहा है. My definition I'm restricting Ind AS 32 के लिए scope और definition. Now हम 109 पे चले जाते हैं, wherein friends we will understand what accounting are we supposed to do under 109. Now after learning that scope and definition, accounting का बात करते हैं, जो of course 109 में है. कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अकाउंटिंग कैसे होगा. सो फ्रेंड्स, आई विल डिवाइड दिस फर्स्ट फाइनेंशियल असेट, देयर आफ्टरवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल लायबिलिटी, एम्बेडेड डेरिवेटिव, वो सब. फिर उसका रिकॉग्निशन, कौन से अमाउंट पे मेजर होता है, एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन, सब कुछ आ जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड, यू विल रिकॉग्नाइज अ फाइनेंशियल असेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी व्हेन यू बिकम पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. एन इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा फेयर वैल्यू पे होता है. अब फॉर फाइनेंशियल असेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे डिपेंड करता है, व्हाट इज माय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अ फाइनेंशियल असेट. सो फ्रेंड्स, यू हैव तीन ऑप्शंस. इधर उसको तुम अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल से यूज करेगा, और इट विल बी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और फेयर वैल्यू थ्रू OCI. उसमें भी दो ऑप्शन, विदाउट रिसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड वो कैसे डिसाइड करेंगे, कब कौन सा मॉडल से जाएगा. ऑफकोर्स फिर हम अकाउंटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, लाइक फेयर वैल्यू थ्रू PNL, मतलब जो भी चेंजेस होगा वो PNL में कैप्चर करने का. OCI है तो चेंजेस विल बी कैप्चर थ्रू OCI. अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो हम लोग को एक इंटरेस्ट रेट फाइंड करना पड़ता है, या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और उसके हिसाब से वी डू दी वर्किंग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क इज, इज द असेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. तुम्हारे पास जो भी फाइनेंशियल असेट है क्या वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, is it equity instrument? Pahla question. So obviously my dear students, what will be your answer? Haan ya to na, of course. Ke sir ya to wo equity instrument hai ya to wo equity instrument nahi hai. Agar wo equity instrument nahi hai to of course it is a debt instrument, I can say. If it is debt instrument to kya karne ka, aur agar equity instrument hai to kya karne ka. So first let us talk about, is the asset इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. आंसर क्या आएगा, नो एंड यस. लेट अस गो विथ नो. इफ इट इज नो तो दूसरा क्वेश्चन पूछने का, डेट इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द असेट्स contractual cash flow solely the principal and interest, so obviously contractual cash flow characteristics देखने का. What is contractual cash flow characteristics? That sir, this instrument is having some cash flow which is contractual in nature. इसके अंदर जो cash flow है वो contractual in nature है, and these are only the payments of interest and principal. No हो सकता है, यस हो सकता है. इफ इट इज यस, क्या हां सर, इट इज ये असेट का जो कैश फ्लो है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड कैश फ्लो है, तो क्या, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर वन फुलफिल्ड.
Now, what is this business model test number one fulfilled? If you remember, of course, we need not go in depth of that, all those things. क्या था वो business model test हमारा? Sir, we are holding this financial asset जिसका पास contractual cash flow है and we are holding it only for getting interest and principal. That is nothing but business model test number one fulfilled. So, obviously, my dear students, you will have to answer yes or no. हाँ सर, business model test is fulfilled. Yes, it is getting fulfilled. अगर no आता है तो हम दूसरा test पे चले जाते हैं. What is my दूसरा test in that? Business model test number two fulfilled हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, and then I can say no. Business model test two fulfilled. पहला टेस्ट क्या है कि हाँ सर, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही चाहिए, इसलिए मैंने होल्ड किया है. बोलते हैं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही ऐसा नहीं है. आई मे सेल इट, अगर मौका मिला तो आई मे सेल ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड मेक गेन्स फ्रॉम इट ऑल्सो. सो दैट इज बिजनेस टेस्ट नंबर टू फुलफिल्ड. सो हियर ऑल्सो आई कैन हैव टू ऑप्शंस, यस and then I have a test, conditional fair value option selected. I am taking a conditional fair value option. Of course, when I say yes, ये पूरा का पूरा आगे ही जाने देता हूं. Conditional fair value option is selected. कि हाँ सर, वी वॉन्ट टू गो विथ फेयर वैल्यू. दो इट इज फुलफिलिंग दिस, देन ऑल्सो हम लोग ने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है. अब वो कब करने का, क्या करने का, उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं. अगर इसमें आता है हाँ सर, कंडीशनल फेयर वैल्यू ऑप्शन selected, my answer is no sir, not selected. Here also no sir, not selected. And of course the last option, answer select kar liya, conditional fair value. Finally, agar ye hai to main bolunga amortized cost model, then I will go with amortized cost model. No hai to fair value through OCI, of course with recycling. Now coming on to the other part, if you look properly, hamara starting mein tha kya ye asset ke contractual cash flows are solely principal and interest. Answer was no sir, it is not solely principal and interest. Business model test fulfilled, yes or no, to usme to khatam ho gaya. Yahan pe tha बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर टू फुलफिल्ड, तो हमने बोला था यस, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है नो सर, नॉट फुलफिल्ड. इफ ऑल दिस ऑप्शंस आर देयर, then I have only one option, and that is fair value through profit and loss, FTPL. Clear? हाँ, अब तुम बोलेगा सर ये वाला पार्ट रह गया कौन सा, इज द असेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. आंसर इज यस, हाँ सर ये असेट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का उसको, इज इट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मीन्स यू वॉन्ट टू ट्रेड विद दिस फाइनेंशियल असेट विच इज इक्विटी, हमको उसको बाय सेल करने का है. क्या आंसर आएगा? हाँ सर, हमको ट्रेडिंग ही करने का था. या तो आएगा नो सर, हमको ट्रेडिंग नहीं करना है. इफ आंसर इज यस सर, इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यस,
then it is obviously fair value through PNL. I said, no sir, it is not for trading. हम trading के लिए नहीं रखा है. तो has the entity selected fair value through OCI? Of course, irrevocable option. क्या आंसर आएगा? नो सर, वी हैव नॉट सिलेक्टेड दिस ऑप्शन. हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया. नहीं सिलेक्ट किया है तो भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बट तुम ट्रेडिंग नहीं करता है, बट तुमने ओसीआई वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं किया है, देन ऑब्वियसली इट विल बी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. अगर यस है बेटा तो बता, हां सर हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, देन इट विल बी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ऑफकोर्स विदाउट रिसाइक्लिंग. पूरा का पूरा फाइनेंशियल असेट इसके अंदर बैठ गया. लास्ट मोमेंट पे जस्ट वी हैव टू लुक एट दिस एरिया. पहला क्या क्वेश्चन पूछा, क्या ये असेट इज इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है नो सर, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है. डन. फिर पूछने का, क्या वो असेट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, मतलब पहले से डिसाइडेड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो विच इज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल? आंसर इज नो और यस. इफ आंसर इज नो तो फिर वो फाइनेंशियल असेट को मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लेके जाएगा. इफ आंसर इज यस सर, वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, तो फिर क्वेश्चन पूछने का, क्या हमारा बिजनेस मॉडल टेस्ट फुलफिल हुआ? नंबर वन, बिजनेस मॉडल टेस्ट फुलफिल नंबर वन, हाँ सर फुलफिल होता है. क्या मुझे फेयर वैल्यू का ऑप्शन चाहिए? नहीं सर नहीं चाहिए, तो बिजनेस तो मुझे अमोर्टाइज कॉस्ट चाहिए. Then it is always amortized cost. Business model test one is not fulfilled, but business model test two में पूछने का, क्या business model test number two fulfill हो रहा है? हाँ sir, हो रहा है. क्या मुझे fair value option चाहिए? नहीं sir, नहीं चाहिए, तो fair value through OCI, of course with recycling. If it is no, business model test number two is not fulfilled, or conditional fair value option is selected, I want to go with conditional fair value, even though वो मेरा business model है, then fair value through PNL. And my dear students, अगर it is held for trading, answer yes sir, I am holding that equity instruments. Pahila, equity instrument I am holding for trading, so of course fair value through PNL. You say nahi sir, trading ke liye nahi rakha hai, maine equity shares kharida hai, but I don't want to trade it. So standard says, kya tumne OCI ka irrevocable option choose kiya hai? Answer is no sir, maine choose nahi kiya, to bhi PNL mein hi chala jayega, fair value through PNL. Answer well, no sir, I have chosen OCI wala option. Has the entity select? Yes sir, I have chosen, then it is fair value through OCI, of course without recycling, means whatever is classified in OCI will remain in OCI. Now when can you choose that conditional fair value option and all those things, I'm not going into that nitty gritties ke mujhe wo liability ke samne wo asset ka net off karna hai changes, us tab main ye option select karta hu, that is okay, but thereafterwards we'll discuss that area, kab aisa option ho sakta hai, but revision hai isliye main fatafat chala jata hai ye point pe. Okay, now my dear students, let us move on to financial asset ke baad financial liability. Financial liability ko kaise classify karenge? Ye asset ke upar we will be doing question aage jaake ek saath. Abhi thoda theoretical kar lete hain. Financial liability, फाइनेंशियल लायबिलिटी का दो ही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, एंड दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ कोर्स थ्रू प्रॉफिट और लॉस. नाउ व्हेन शुड आई यूज दिस मॉडल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये मॉडल कब यूज करने का मुझे? बट ऑब्वियस फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इसमें कोई टेस्ट बेस्ट नहीं है अपना. हाँ, सो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर इधर फेयर वैल्यू थ्रू पी एन एल और अमोर्टाइज कॉस्ट, वेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी,
financial liabilities designated on initial recognition at fair value, of course, in order to reduce that accounting mismatch. एंड इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा फेयर वैल्यू पे ही होगा, वेदर इट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल, इट विल ऑलवेज बी एट फेयर वैल्यू ओनली. हाँ, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इफ इट इज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट विल बी एट फेयर वैल्यू, बट इफ इट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट विल बी एट अमोर्टाइज्ड वैल्यू. ऑल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इधर ही हो जाएगा, एक्सेप्ट दोस दैट आर क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएल, बाकी सब इधर चला जाएगा. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ माय फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रेंड, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. उसके ऊपर हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल असेट. Prior to that, we discuss what is a financial asset, what is a financial liability and financial instrument or scope. Okay. Now, see, because we are into revision, within shorter period of time, humko sabka idea hona chahiye. Hence, I am just giving you overall brief stuff. Otherwise, this chapter is very, very big. Now, I come upon embedded derivative. Now, let us talk about embedded derivatives. क्या होता है एम्बेडेड डेरिवेटिव? नथिंग बट एक हॉस्ट है और वो हॉस्ट का कैश फ्लो और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका कैश फ्लो में डिफरेंस है. आई जस्ट राइट डाउन, एम्बेडेड डेरिवेटिव इज अ कंपोनेंट ऑफ अ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट. बरोबर, that also includes a non-derivative host and the effect of which with the effect that some of the cash flow of the combined instrument vary in a way similar to a standalone derivative. ये हमारा embedded derivative होता है. Yeah, is a component of a hybrid contract that also includes a non-derivative host with the effect that some of the cash flows of the combined instruments vary in a way similar to a standalone derivative. अब इसका accounting क्या करना है? हाँ, तो वो हमको देखने का है वेदर ये एम्बेडेड डेरिवेटिव इज विद इन द होस्ट विच इज अ फाइनेंशियल असेट और अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और नॉट, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं. सेपरेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, दैट विल बी डिसाइडेड. मेरा अकाउंटिंग डिपेंड करेगा whether separation is to be done or not. Embedded derivative are accounted for differently depending on whether
they are within a host contract, which is a financial asset or a liability. It is within the host contract. So, I'll just divide it in two parts. I can say hybrid contracts with financial asset, host contracts, or dusra other hybrid contracts. इफ इट इज एन हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट विद फाइनेंशियल असेट ऑफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई सेपरेशन करने का नहीं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को वैल्यू करने का है. सो हियर वी कैन से एम्बेडेड डेरिवेटिव इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम होस्ट. या और यहां पे हम क्या करते हैं, अदर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम होस्ट कॉन्ट्रैक्ट. सी, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट वी डू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस एंड वी फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, डिबेंचर लायबिलिटी एंड व्हाट इज डिबेंचर इक्विटी कंपोनेंट. आई होप एवरीबडी नोज दिस स्टफ. आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट दिस, नथिंग बट बाइफर्केशन करना है. ये हो गया वन मोर एरिया, फाइनेंशियल असेट 3 था, फाइनेंशियल लायबिलिटी 2 था, और एम्बेडेड डेरिवेटिव सेपरेट करने का, सेपरेट नहीं करने का. सेपरेट करने का ऑब्वियसली माई फोकस विल बी दैट एरिया. नाउ आई कम अपॉन डीरेकग्निशन. डीरेकग्निशन मतलब क्या, हमारा बुक से वो चीज को निकालो. किसको निकालने का बात कर रहे हैं सर? एक तो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकता है और फाइनेंशियल असेट भी हो सकता है. उसमें फुल डी रेकग्निशन हो सकता है, पार्शियल डी रेकग्निशन हो सकता है, और नो डी रेकग्निशन हो सकता है. सो डी रेकग्निशन इज नथिंग बट रिमूवल. डी रेकग्निशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बेसिकली बैलेंस शीट. इसको हम बोलते हैं डी रेकग्निशन. तो पहले हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी का डी रेकग्निशन देख लेते हैं. कब डी रेकग्नाइज करेगा? इट इज टू बी डी रेकग्नाइज ओनली ओनली इफ इट इज एक्सटिंग्यूश. मतलब क्या, हमारा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता है तभी हम बोलते हैं इट इज एक्सटिंग्यूश्ड. नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट. We are discharged of all our commitments, और या तो वो पीरियड एक्सपायर हो गया है तो हम डी रेकग्नाइज कर देते हैं. फिर एक और टाइम पे हम लोग डी रेकग्नाइज करेंगे एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी अगर इट इज रिप्लेस विथ अ न्यू लाइबिलिटी. लाइक डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया, सो इट इज एट डिफरेंट टर्म्स. द एक्सचेंज बिटवीन an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms.
substantial modification of the terms of financial liability. ठीक है, तो हम बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट कर डालो, जूना लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर दो. इफ ऑफकोर्स आई होप यू रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एज पर द मॉडिफाइड टर्म्स एंड द कैश फ्लोज ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, वही वाला पॉइंट. देन ये क्या करने का, अगर एक्सटिंग्विश हो गया तो सर पीएनएल में जाएगा. क्या पीएनएल में जाएगा? डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट of the financial liability extinguished in the consideration paid or any non-current asset ट्रांसफर और लाइबिलिटीज अज्यूम्ड. सो हमारा जो कैरिंग अमाउंट था फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, उसको हम कंपेयर करेंगे कितना पे किया, कंसिडरेशन दिया, या तो कोई नॉन करंट असेट उनको इश्यू किया या ट्रांसफर, नॉन करंट असेट ट्रांसफर, या तो कोई नया लाइबिलिटी अज्यूम किया. ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी अकाउंटेड वेयर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस is recognized through profit or loss. Done. So this is nothing but financial liability ka derecognition. Financial asset. Derecognition. When should you derecognize the financial asset? Can I say? जब मेरा राइट्स टू दोस कैश फ्लोज विच आर जनरेटेड दैट आर जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट एक्सपायर्स, उस दिन डी रिकॉग्नाइज करने का. और entity has substantially transfer risk and reward to some other party, entity does not retain control of the asset. See, these are the areas when you can go for derecognition. Of course, full derecognition. But वहां पे ध्यान रखने का कि वो risk reward transfer हुआ कि नहीं, जैसे कि हमने classroom examples में बात किया रहता है debtors. I go for factoring my debtors with recourse and without recourse. So I hope you remember. These were the examples we had. If it is with recourse, what to do? Without recourse, what to do? Same thing. कि सर इसमें derecognize नहीं करने का, because risk and reward transfer नहीं हुआ, उल्टा मेरे को जो पैसा मिला है, that has to be considered. It's a loan basically. मैंने principal strip बेच दिया, and I still maintain the right to receive interest. So all this stuff is there. And so overall, I'm just giving you an idea. Financial asset derecognize करने का है. ठीक है, अगर वो डी रिकॉग्नाइज करेंगे ऑब्वियसली पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है और नो डी रिकॉग्निशन भी हो सकता है. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट अवर फाइनेंशियल असेट डी रिकॉग्निशन. सो डियर स्टूडेंट्स, इंडेस 32109 and 107 पे सीधा का सीधा क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम आरटीपी. द फर्स्ट इज नथिंग बट May 19 का आरटीपी. ब्यूटिफुल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट्स. केके लिमिटेड हैज ग्रांटेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 10 lakhs टू हिज होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी वाई के लिमिटेड. देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अटैच टू द सेड लोन. द कंपनी हैज नॉट फाइनलाइज एनी टर्म्स एंड कंडीशन
including the applicable interest rates on such loans. The board of directors of the company are evaluating various options and has requested your firm to provide your views under Ind AS in the following situations. The loan given by KK Limited to its wholly owned subsidiary YK Limited is an interest free and such loan is repayable on demand. The said loan is interest free and will be repayable after 3 years from the date of granting such loan. The current market rate of interest for similar loan is 10%. Considering the same, the fair value of the loan at initial recognition is 8,10,150. Scenario number 2 is over. Scenario number 3, the said loan is interest free and will be repaid as and when YK Limited has funds to repay the loan amount. Based on the same, KK Limited has requested you to suggest the accounting treatment of the above loan in standalone financial statements of KK Limited and YK Limited and also in the consolidated financial statements of the group. Consider interest for only 1 year for the above loan. Further, the company is also planning to grant interest-free loan from YK to KK Limited in subsequent period. What will be the accounting treatment of the same under applicable Ind AS? Now see friends, what is happening in this question? Holding company is giving loan to subsidiary company or teen scenario de diya hai, scenario 1, 2 and 3. Holding company has given that loan. So now if holding company has given the loan, we have to recognize it at fair value. That we are, everybody knows that point. Okay, sir, initial recognition to hamesha fair value pe hi hota hai. I also agree on that point that initial recognition has to be at fair value. So my dear students, jab hum bolte hain ki initial recognition fair value pe hoga, so let us go for each of the scenario. And of course, what are they asking us? What should be the accounting treatment for the above loan in standalone and in console financial statements? So pahila to ye scenario 1, 2, 3 ka standalone pe kya hoga impact and what would be the impact on my console? Okay, so the first, the loan was given by KK to its wholly owned subsidiary YK. It is interest free and such loan is repayable on demand. So my scenario number 1, can I say loan given by parent is interest free and repayable on demand. Jab mangenge tab. So if it is repayable on demand, I cannot say, sir, find out the fair value by discounting it, market interested, because whenever I want to, today I gave, tomorrow I can take it back. So iska matlab ye ho jayega, in this case fair value will be equal to cash consideration paid, that is 10 lakhs. Now what would be the accounting? See my dear students, main samne samne hi kar dega so that you are able to compare it. KK Limited and YK Limited. KK Limited is parent and YK Limited is the subsidiary. Now, what would be the accounting treatment in the books of KK Limited? Can I say it will be very simple? Loan to YK Limited, origination pay to bank 10 lakhs because this is repayable on demand, on origination. और जब रीपे हो जाएगा, जब भी हम डिमांड करेंगे, we will get back our money back. So bank account debit to loan to YK. Yeah. Remember, the fair value is always equal to the cash consideration paid. YK, what will YK do? Of course, this is on the date of origination. ये जो entry pass किया, it's for origination.
एंड सेकेंड वाला है इज नथिंग बट फॉर रीपेमेंट. यहां पे क्या होगा, कहना इसे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम के, इट इज 10 lakhs एंड द नेक्स्ट विल बी नथिंग बट लोन फ्रॉम के टू बैंक 10 lakhs. क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट एंड ऑफ माई सिनेरियो वन. और कुछ बड़ा बात नहीं है. हाँ, अब इन लोग ने साथ साथ में और कुछ भी पूछा है. व्हाट डज द क्वेश्चन से? दैट यू आर सपोज टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव लोन इन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इफेक्ट होगा? कैन आई से नथिंग विल बी शोन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज लोन गिवन एंड लोन टेकन विल बी सेट ऑफ. सो नो इफेक्ट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. As loan given will be set off against loan taken. This is my scenario number one. Done? Chalo. Ab hum next area mein jata hai. That is scenario number two. Read the question. What does scenario number two say? It says ye loan is interest free and repayable after 3 years. Okay. So, ye pakka ho gaya. It is not on demand. It is repayable after 3 years. If it is repayable after 3 years from the date of granting such loan, so obviously I will be in a position to discount it off using the market interest rate, which they have given us. के बाबा मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन ऑन ओरिजिनेशन इज 8,10,150. सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग हियर सिनेरियो टू, लोन इज इंटरेस्ट फ्री एंड रीपेबल आफ्टर 3 years. ऑफकोर्स so market interest rate is 10%. So what is the fair value of loan? Can I say fair value of loan is given in the question, that is 8,10,150. किस बेसिस पे आया रहेगा? I hope now everybody knows कि सर कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके हमने फाइंड किया रहेगा कि what is the fair value of the loan. Now we have to do accounting in the books of KK and books of YK. Origination. जब हमने लोन दिया तो बच्चा लोग लोन दिया, सो ऑब्वियसली आई विल से लोन टू YK डेबिट फेयर वैल्यू 8,10,150 टू बैंक द अमाउंट पेड बाई अस इज 10 lakhs. The amount paid by us is 10 lakh. So difference kya hai? What is this difference? Nothing but investment. Yes, very good. Investment in YK. If you give this loan to your staff, then you used to write down staff benefit expense. 189,850 investment. Then what will happen? Sir, at the end of year one, can I say this is to be amortized? The loan is to be amortized. So amortization table banayenge. 8,10,000 pe interest aayega. So loan to YK debit to interest income 81,015.
उसके बाद क्या होगा? ऑफ कोर्स सर, ये इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस 81,015 का 10%. नाउ सी फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर वापस एंट्री आएगा. व्हाट विल बी द एंट्री इन द सेकेंड ईयर? इट विल बी सेम लोन टू वाईके टू इंटरेस्ट इनकम. बट नाउ व्हेन यू से लोन टू वाईके, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा 81,015. मतलब अब मेरा ओपनिंग बैलेंस है 8,91,165, उसके ऊपर 10%, दैट इज 89,116.5. हाँ, और फिर जो आएगा उसके ऊपर वापस 10%, एंड देन आई विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर्स. ओके, हमको ज्यादा नहीं करना है बिकॉज इन लोगों ने क्लियरली बोला है एक साल का ही बात करना, कंसिडरिंग द सेम. सो नाउ ये हो गया मेरा इंटरेस्ट का. नाउ रीपेमेंट होगा. So when repayment will happen, what would be the amount of repayment? Very simple, sir, 10 lakh. तो इसको तो पैसा मिल जाएगा. Bank account debit to loan to YK Limited, 10 lakhs on repayment. Of course, at the end of 3 years, it will be happening. See, actually, loan का fair value होना चाहिए था something different, but they have given us 10% के हिसाब से 8,10,150 दिया है. ठीक है, we are considering that. So don't try to find out the value on your own. Okay, sir, it has to be 7,51,000 something something something. No, 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 don't do that way. क्या हम इसको डिस्काउंट करके ये फाइंड करता है जो दिया है क्वेश्चन ने? We'll go with the question only. Then here, books of YK, you received the loan. So bank account debit, 10 lakhs to loan from KK, 8,10,150. Difference, kya bolne ka difference ko yaad aaya? Equity contribution. $189.50. There afterwards, of course, interest expense to loan from KK, 81,015, and then interest expense to be transferred to profit or loss. फिर रीपेमेंट लोन फ्रॉम केके टू बैंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये लोन फ्रॉम केके 10 लैक्स हो गया रहेगा बाय अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट. ऑफ कोर्स सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो भी डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आई एम सॉरी फर्स्ट ईयर एंड द लास्ट ईयर. ये फर्स्ट ईयर का एंड का एंट्री है. ये हमारा हो गया सिनेरियो नंबर 2. Now I come upon scenario number 3. What is scenario number 3, friends? It says the said loan is interest free and will be repaid as and when YK has funds to repay the loan. अब उसको वो तब पे करेगा जब YK के पास पैसा रहेगा. So when YK has money, he will repay. He in the sense the company will repay. तो क्या करने का? See, when that is the scenario that it is repayable when as and when the funds are available, you cannot consider this to be demand loan. You can't consider कि sir demand loan है तो fair value is equal to the cash consider. नहीं नहीं. You have to just estimate that what would be the normal period in which YK Limited will be in a position to repay the loan. Based on that, evaluate the market interest rate and find out the fair value and do the accounting as per scenario number 2. Bas aur kuch nahi. You have to estimate it. It cannot be considered as demand loan. Humko kahin na kahin pe ye point estimate karna hi padega ki ye loan kitne period mein pay ho jayega. 3 saal, 4 saal, 5 saal, as the case may be. Aur jo bhi period aaya,
what is the appropriate market interest rate based on that, find out the fair value of the loan. And of course, the difference is wo investment, if in the books of parent, in the books of the subsidiary, it will be nothing but equity contribution. So, my dear students, I'll just write down because abhi isme koi journal entry to mujhe pass nahi karna hai. Generally, a loan which is repayable when funds are available cannot be stated as loan repayable on demand. Done. Iska matlab the cash consideration is not equal to by fair value. Further, the entity needs to estimate the repayment date and determine its measurement by applying the same techniques and concepts as in scenario number 2. CFS पे क्या इफेक्ट होगा? No effect on CSS. क्यों? Because set off हो जाएगा. Scenario number 2 में क्या आएगा? Sir, same. Scenario number 2 में भी, don't you think that loan payable, loan receivable, ये set off हो जाएगा? No effect on consolidated financial statements. Now, ये तो हो गया हमारा scenario number 3. Friends, they have asked us one more important area. Further, the company is also planning to grant interest-free loan in the subsequent period. What would be the accounting treatment for the same? Kya hoga accounting treatment? Very simple. Holding company or parent ne subsidiary ko loan diya aur jo difference aaya between fair value and the प्रोसीड्स पेड, जो 10 लाख और 8 लाख का जो डिफरेंस था ना, उसको हमने क्या बोला था? इन द बुक्स ऑफ पेरेंट हमने उसको बोला था इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट्स. इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी हमने बोला था इट इज नथिंग बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय इक्विटी. नाउ उल्टा सिनेरियो, व्हाट इज द उल्टा सिनेरियो हियर फ्रेंड्स? ऐसा हो रहा है कि सब्सिडियरी इज गिविंग लोन टू द पेरेंट. नाउ इफ सब्सिडियरी इज गिविंग लोन टू द पेरेंट, तो जो भी डिफरेंस रहेगा बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द प्रोसीड्स, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड पेमेंट बाई द सब्सिडियरी. सब्सिडरी बोलेगा ये मेरे लिए डिविडेंड पेमेंट है, वी हैव पेड डिविडेंड टू द पेरेंट, एंड पेरेंट उसको बोलेगा डिविडेंड इनकम. खत्म. या सो जस्ट एक नोट लिख लेना सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दिस पॉइंट. इन केस द सब्सिडरी वाईके लिमिटेड is planning to grant interest-free loan to KK Limited, then the difference between fair value of the loan on initial recognition and nominal value, or I can say the proceeds, the nominal value, kya bolne ka usko, should be treated as dividend distribution
by YK Limited and dividend income by parent KK Limited. ठीक, तो वहां पे जो डिफरेंस आ रहा था, अभी किसने किसको लोन दिया है, सब्सिडरी ने दिया, तो सब्सिडरी क्या बोलेगा, लोन टू KK. से फॉर एग्जाम्पल 7 lakhs आया टू बैंक, पैसा कितना गया 10 lakhs, डिफरेंस जो आया नथिंग बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. जिसने लोन लिया है होल्डिंग कंपनी ने, वो क्या बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू लोन टू YK, कितने का लोन लिया है, लोन फ्रॉम YK 7 lakhs, 3 lakhs डिविडेंड इनकम. गॉट द पॉइंट? या, सो दिस इज नथिंग बट द एंड ऑफ योर सिनेरियो नंबर 3 और उसके साथ वाला पॉइंट. वेरी गुड क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट एज वेल एज फाइनेंशियल लायबिलिटी. क्लियर माई फ्रेंड्स? मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2. एन एंटिटी परचेजेस अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 1000 ऑन 15th मार्च 2001 एंड मेजर्स द डेट इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. द इंस्ट्रूमेंट हैज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% ओवर द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म ऑफ 10 years एंड हैज एन 5% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. एट इनिशियल रिकॉग्निशन द एंटिटी डिटरमाइंस दैट द असेट इज नॉट अ परचेस्ड और ओरिजिनल क्रेडिट इंपेयर्ड असेट. ऑन 31st March, द रिपोर्टिंग डेट, द फेयर वैल्यू ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट हैज डिक्रीज्ड टू ₹950 एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट. द एंटिटी डिटरमाइंस दैट देयर हैज नॉट बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क since initial recognition and that the ECL should be measured at an amount equal to 12-month ECL, which amounts to 30. On 1st April 2001, the entity decides to sell the debt instrument for ₹950, which is its fair value on that date. Past journal entries for recognition, impairment and sale of debt instrument as per Ind AS 109, entries relating to interest income are not to be provided. Now see my dear students, basically financial asset which is measured at fair value through OCI aur usme impairment ka bhi baat ho raha hai. Yeah, hence we have that ECL, 12-month ECL, nothing but expected credit loss. So humne kya kiya, 1000 mein 15th March 2001 aur 11 ko humne kharida hai, just making that point. Effective interest rate is 5%, lekin usko humko ignore karna hai. At the initial recognition, the entity determines that the asset is not a purchased or a original credit impaired asset. Iska fair value on 31st March 2001 ko, the fair value of the debt instrument has decreased to 950, means 1000 has become 950, matlab 50 se financial asset to credit hoga, lekin see my dear student, what is happening? The question says the entity determines that there has not been significant increase in credit risk since initial recognition and that the ECL should be measured at an amount equal to 12-month ECL should amounts to ₹30, which means that the maximum loss I should recognize as an impairment loss will be restricted to 30 only. Of course, subsequently, humne us instrument ko bech diya hai. At 950 on 1st April, we have sold off the instrument. Past journal entries for recognition, impairment and sale of date instrument. Okay, let's begin. My first entry will be for initial recognition. हमने फाइनेंशियल असेट खरीदा, सो वी हैव बॉट अ फाइनेंशियल असेट, सो दिस फाइनेंशियल असेट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. वी बॉट इट फॉर 1000 टू बैंक 1000, दिस इज फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन. अब इंपेयर हुआ 31st March
on impairment, what would be my journal entry? Impairment expense. Obviously, this impairment expense will be debited through profit or loss. Then, baki fair value changes, OCI ke through. Two, financial asset. Because 950 ho gaya hai hamara financial asset, to humne financial asset ko 950 pe leke aa gaye. Ab teesra, that is nothing but on sale, you are going to receive how much? Obviously 950. So bank account debit 950 to financial asset, which is fair value through OCI. Don't you think, friends, wo bhi 950 hi hai? Aur baad mein, this OCI ke andar jo accumulate hua hai will be reclassified back. So, loss on sale, account debit to OCI, kitna aega? 20. Clear, friends? So, these are the three entries for our solution. Initial recognition, impairment or sale. Khatam. Not a big stuff. Past RTP ka hi question tha. We have completed this. Now let us move on to question number 3. XYZ Limited issued 4,80,000 4% redeemable preference shares on 1st April 2005 at par. Interest is paid annually in arrears. The first payment of interest amounting to 19,200 was made on 31st March 2006 and it is debited directly to retained earnings account by the accountant. The preference shares are redeemable for cash amount of ₹7,20,000 on 31st March 2008. The effective rate of interest on redeemable preference shares is 18% per annum. The proceeds of the issue have been recorded within equity by accountant as this reflects the legal nature of shares. Board of director intends to issue new equity shares over the next 2 years to build up cash resources to redeem the preference shares. Mukesh, accounts manager of XYZ Limited, has been told to review the accounting of aforesaid issue. CFO has asked from Mukesh the closing balance of preference shares at the year end. If you were Mukesh, then how much balance you would have shown to CFO on the analysis of the stated issue? Prepare necessary adjusting journal entry in the books of accounts if required. Theek hai baba. Now see, classification of financial instrument. What is the nature of this financial instrument? Is it equity or is it liability? Legally, I can say the nature is shares. So, equity ke niche dikhate. But in substance, don't you think it is a financial liability? Because you are having an obligation to deliver cash. XYZ Limited ne redeemable preference shares issue kiya hai. Matlab paisa dena hi padega. इंटरेस्ट हर साल देने का है, विच इज 19,200, ओके, और वो इंटरेस्ट को, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड यू कैन से, द अकाउंटेंट ने सीधा का सीधा किसको डेबिट कर दिया है, रिटेन अर्निंग्स को, एंड वी आर गोइंग टू रिडीम इट एट 7,20,000 ऑन 31st मार्च 2008, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये है, तो कैन आई से द क्लासिफिकेशन इज ओनली रॉन्ग, इट हैज टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी. Preference shares, which is in the nature of a financial liability. So, uska thoda sa rectification karke dete hain. Some important point. Preference shares provides the holder
with the right to receive a predetermined amount of annual dividend out of profits. Also, at the end of the term, kya milega? The preference shareholders are eligible for a fixed redemption amount. एक अमाउंट फिक्स मिलने वाला है. आई एग्री दैट लीगल फॉर्म इज इक्विटी बिकॉज उसको हम शेयर्स बोलते हैं. सो लीगल फॉर्म इज इक्विटी, इसलिए तो रिप्लेसमेंट भी होता है एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन. बट इन सब्सटेंस it is to be classified as debt. Can I say? Ind AS 32 classifies a financial instrument in which the entity has a contractual obligation to deliver cash as a financial liability. ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट. अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2005 है, हमारा ईयर एंड है 31st मार्च 06. तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के हिसाब से कैन आई से वी हैव टू फाइंड आउट फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट इज प्रेफरेंस शेयर एट अमोर्टाइज कॉस्ट. Year it is 2005-06, I will just say that way. Opening balance of preference share financial liability plus finance charges minus payment is equal to closing balance of preference share, which is nothing but a financial liability. ये हमें पूरा टेन्यूर के लिए नहीं बनाने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर ही हम क्लासिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं. तो व्हाट विल बी द अमाउंट एट विच द क्लासिफिकेशन शुड बी चेंज. तो फ्रेंड्स, वी हैव इश्यूड दिस एट 480,000 एंड इसको हम लोग अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है. सो 18% 480,000 into 18% 86,400. ये मेरा फाइनेंस चार्जेस है जो प्रॉफिट और लॉस में डेबिट होएगा. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव मेड अ पेमेंट. कितने का पेमेंट हुआ? 19,200 का, जो मेरा फाइनेंशियल सो 547,200. दिस इज नथिंग बट माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ preference shares, which is financial liability. You need not do 6-7 because humko 2006 ke end pe hi end, in the sense 31st March 6 only we have to find out what is the closing balance. So I can say as per
amortized model the closing balance of financial liability is 5,47,200. Done. Chal. अभी क्या journal entry pass करने का? Don't you think the accountant would have credited preference shares as equity? तो उसको de-recognize करने का और preference shares which is liability उसको recognize करने का. Same way जो payment हुआ है 19,200 का उसको retained earnings से debit किया है, which should not be through retained earnings, it should be through profit and loss, जो भी हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट है. तो जो रिटेन अर्निंग्स में डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे. आई विल गो इन दिस वे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन क्लासिफाइड एज इक्विटी आई विल डी रिकॉग्नाइज इट. ऑफ कोर्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन. कितने पे रिकॉग्नाइज किया रहेगा बुक्स में? ऑफकोर्स इट वुड हैव बीन एट 480. आई हैव टू ब्रिंग इट एट 547,200. 480,000 हमको उसको कौन सा वैल्यू पे लाने का है? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग. फाइनेंशियल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5,47,200. फिर फाइनेंस चार्ज हुआ इस साल कितना है? फाइनेंस चार्जेस जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू वी विल रिकॉग्नाइज इट, द फाइनेंस चार्जेस आर 86,400. टू रिटेन्ड अर्निंग्स, आई यूज द वर्ड इक्विटी, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग. क्यों सर? उसने जो डिविडेंड पे किया उसको रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने एडजस्ट कर दिया है एंड दैट वॉज 19,200. वेरी सिंपल, 480 इसके ऊपर 86,400 एड हुआ, 19,200 माइनस हुआ तो बच जाएगा 547,200. यू विल सी दैट योर जर्नल एंट्री हैज टू टैली. या सो दिस इज द एंड ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 3. यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर इट, नॉट अ बिग स्टफ. फाइनेंशियल लायबिलिटी को हमने इक्विटी कंसिडर किया था तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं. Okay, my dear students, let us move on to another question. Question number 4. On 1st January 2000, entity A issued 10% convertible debentures with a face value of 1000, maturing on 31st December 2009. The debenture is convertible into ordinary shares of entity A at a conversion price of 25 per share. Interest is payable half yearly in cash. At the date of issue, entity A could have issued non-convertible debt with a 10-year term bearing a coupon interest rate of 11%. On 1st Jan 2005, the convertible debentures have a fair value of 1600. Entity A makes a tender offer to the holder of debentures to repurchase the debentures for ₹1,600, which the holder accepts. At the date of repurchase, entity A could have issued non-convertible debt with a 5-year term bearing a coupon interest rate of 8%. Now, कैन आई से रीपर्चेज हो रहा है? नथिंग बट डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी. और इक्विटी कंपोनेंट का भी देखना पड़ेगा यहां पे तो, बिकॉज बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वेर इन इट इज नथिंग बट अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच हैज एन डेट कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट. और वही कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम रीपर्चेज कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग द रीपर्चेज एट अ tender offer holder to repurchase the debentures at 1600. Let us solve this question. Pahila to kya karna padega? So, dear students, we have to bifurcate how much was the debt component and how much was the equity component on 1st Jan 2010.
2000 as the case may be. अगर ये x की जगह 0 रखते हो तो 10 2000 हो गया, 1 रखते हो तो 10 हो गया. एंड इट इज गोइंग टू मैच्योर हियर, मतलब 10 साल का इंस्ट्रूमेंट है. बट वेन आर वी गोइंग फॉर कन्वर्जन, नॉट कन्वर्जन बट रीपर्चेस 2005 को, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी ऑन 1st जनवरी 2000. फिर हम लोग उसको 2005 के वैल्यू पे लाएंगे कि अगर 2005 को अगर यही चीज होता तो क्या वैल्यू होता था. सो विल कैलकुलेट द लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट. कितना प्रोसीड्स मिला, थाउजेंड लेस लायबिलिटी कंपोनेंट, तो उसमें हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल नथिंग बट 1000 एट 11%. आई एम राइटिंग डाउन द डायरेक्ट आंसर. हाँ, इंटरेस्ट क्या है, हर 6 महीने पे करने का है. मतलब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 11% का 6 मंथ्स, मतलब 5.5 को 20 इयर्स के लिए लेने का. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेबल फॉर 20 हाफ इयर्स, यस, ओनली फॉर द कन्वीनियंस टू हैव अ राउंड ऑफ फिगर, 4-5 रुपया आगे पीछे कर लिया है आईसीआई के जैसा. So, मेरा इक्विटी कंपोनेंट कितना आ गया, 60 रुपीज. 940 इज माई डेट कंपोनेंट, या आई हैव डिस्काउंटेड एट 11% एंड 11% 20 टाइम्स नहीं लेना, 5.5 करके 20 टाइम्स करना, सो विल गेट 597. अब क्या एंट्री पास हुआ रहेगा, कैन आई से द जर्नल एंट्री दैट वुड हैव बीन पास्ड वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लायबिलिटी कंपोनेंट एंड टू डिबेंचर इक्विटी कंपोनेंट. दिस इज द अकाउंटिंग दैट वुड हैव बीन डन. अब आगे बढ़ू तो 5 साल, से यू कैन से 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ऐसा 5 साल चला गया. देयर आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग फॉर रीपर्चेसिंग द डिबेंचर्स फॉर 1600. बरोबर है बच्चा लोग. सो पहला तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू. या तो मैं अमोर्टाइजेशन टेबल बना के यही 940 का कैरिंग वैल्यू फाइंड कर लू, या तो मैं डिस्काउंट कर डालता हूं. So I can get the carrying value, and I also need to find out what is the fair value of the instrument at today's market rate. So that जब repurchase करेंगे तो वो जो difference रहेगा वो उसको हमको settle करना है. That is nothing but debt settlement expenses. Second part, calculation of carrying value and fair value of liability component. Of course, carrying value कौन से amount पे रहेगा, 11% के हिसाब से. Fair value कौन से हिसाब से रहेगा, sir, on the date of repurchase हमारा फेयर वैल्यू है रिमेनिंग 5 साल का 8%. नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 10
half yearly interest payments. Then discounted at 11% and 8%. Yeah, 377 or 5% 1 divided by 1.025. That gives me 405. 4% hai, 8% ka aadha. Second, hamara principal present value of rupees 1000 due in 5 years, discounted at the rate of 11% and 8%. Convenience ke liye 585 or 8%. So this is nothing but total present value of liability component. $962 and $10,405 + $676, $1,081. ठीक है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? देखो, $119. वॉट इज द कैरिंग वैल्यू जो मेरे बुक्स में दिखता रहेगा, लेकिन इसका ही अगर 8% के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यू इज 1081. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट हैव आई डन? आई हैव रीपर्चेस द बॉन्ड. मैंने बॉन्ड्स को रीपर्चेस किया है. तो व्हाट आर वी सपोज टू डू विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड जो रीपर्चेस हुआ है? तो माय फर्स्ट एंट्री विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट. बुक्स में से 962 निकालो, बराबर है. डेट सेटलमेंट एक्सपेंस डेबिट, जो डिफरेंस था 119, टू बैंक नथिंग बट 1081. My date settlement expenses is 119. Okay, my friends, मैं इक्विटी कंपोनेंट का भी डी रेकग्निशन कर देता हूं. एक चीज बाकी है, पर पहले कितना इक्विटी कंपोनेंट है? वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट extinguished on repurchase of debentures. Now, what is the amount paid on repurchase? जब हमने repurchase किया तो कितना amount हमको मिला? 1600. I hope everybody understands. उसमें से हमने कितना लायबिलिटी कंपोनेंट का था? वो था फेयर वैल्यू. लायबिलिटी कंपोनेंट दैट इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू विच वी कैलकुलेटेड हियर, दैट इज 1081. सो व्हाट इज द कैश पेड to repurchase equity component? $1,600 - $108,519. So I'll pass an entry. Equity account debit to bank.
बिकॉज हमारा तो पूरा का पूरा 1600 गया है. इफ यू लुक प्रॉपरली वी हैव पेड 1600 आउट ऑफ विच डिबेंचर जो लायबिलिटी कंपोनेंट है 962. कहां से आया 962 सर? यही तो मेरा वैल्यू है. अगर मैं 11% के हिसाब से देखता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू इज 962 ओनली. दिस इज द वैल्यू ऑफ माय दिस 343. आई होप यू अंडरस्टूड. 597 हाँ, हाफ ईयरली बेस पे हम लोग कंपाउंड करता है, इसलिए मैं 343 पे लेके आया हूं उसको. इट कम्स टू 3427, ऐसा बड़ा है बट मैंने राउंड ऑफ कर डाला है उसको. ये इधर तक देखिए पहले, ये बेसिक था हमारा, इश्यू किया. उसके बाद आई जस्ट फाउंड आउट व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द डेट कंपोनेंट. आज क्या होगा हमारा बुक्स में? 962 पे रहेगा. इसको रीपर्चेस किया, सो टू द एक्सटेंड ऑफ 10181 नथिंग बट द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी. तो ये लायबिलिटी का फेयर वैल्यू बढ़ गया है, तो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज रेफर्ड एज डेट सेटलमेंट एक्सपेंस 119. Now I'll move on to next question. A limited has a policy of providing subsidized loans to its employees for the purpose of buying or building houses. Mr. X, whose executive assistant to the CEO of A Limited, took a loan from the company on following items. Principal amount is 10 lakhs. Interest rate is 4% for the first 4 lakh and 7% for next 6 lakhs. Start date is 1st Jan 19. Tenure is 5 years. Prepayment option, full or partial prepayment at the option of the employee. The principal amount of loan shall be recovered in 5 equal annual installments and will first apply to 7% interest bearing principal. The accrued interest shall be paid on annual basis. Mr. X must remain in service till the term the loan ends. The market rate of comparable loan available to Mr. X is 12% per annum. Following table shows the contractually expected cash flows from the loan given to Mr. X. ये हमारा contractual cash flow है. हमने उसको 10 लाख का loan दिया है. एक साल के बाद he will pay me 2 lakhs. 7% on what amount 7% है? First 4 lakhs. 4 lakhs पे 7%. मतलब 42,000 और remaining पे 4% इंटरेस्ट है. या 4% आई एम सॉरी ऑन फर्स्ट 4 लैक्स और 7% ऑन नेक्स्ट 6 लैक्स. और जो भी हम पे करेंगे वो सबसे पहले कहां पे एडजस्ट होगा? हमारा 7% के ऊपर एडजस्ट होगा. मतलब 6 7 42,000 परफेक्टली बैठ गया और 4 लैक पे 4% दैट इज 16,000. यस डन. फिर हमने 2 लैक्स पे किया, वापस 16,000 रहेगा और बाकी का जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर 28,000. फर्स्ट 4 लाख अभी बचा ही है, 8 लाख है ना. तो 28,14, दिस इज परफेक्ट, नथिंग रॉन्ग इन दैट. अब होता क्या है, मिस्टर एक्स प्रीपेस 2 लाख ऑन 31st डिसंबर. 31st डिसंबर को मिस्टर एक्स 2 लाख का प्रीपेमेंट कर रहा है, रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल टू 4 लाख. इसका मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था. यहां पे वो 2 लाख तो पे करते और 2 लाख पे कर देता है, मतलब टोटल 4 लाख का पेमेंट आ जाता है. सो ऑब्वियसली अभी लोन विल नॉट गो टिल 2023, वो 2022 में ही एक्सपायर हो जाएगा. फॉलोइंग टेबल ओके शोज द एक्चुअल कैश फ्लो. ऐसा कैश फ्लो आया हमको. वाह. Record the journal entries in the books of A applying the requirement of Ind AS 109. My dear student, please read the question once. And the second part. Now let us begin.
solution to question number 5. पहला तो मुझे फाइनेंशियल असेट फाइंड करना पड़ेगा. लोन गिवन टू एम्प्लॉयज, डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द लोन गिवन विल बी नथिंग बट प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, जिसको हम 5 साल में अमोर्टाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट थिंग. कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल मेजरमेंट. How much principal I will be receiving? How much interest at the rate of 7%? Interest at the rate of 4%? तो मुझे total cash flow मिलेगा, उसको अपन discounting factor करेंगे तो अपने को present value मिलेगा. हमारा market interest rate 12% है, ठीक है? So first cash flow कब मिलेगा हमको? 31st December 19 को. 31st December 19, 31st December 20, 31st December 21, 31st December 22, or 31st December 23. Every year we will be getting 2 lakhs. ये initially ऐसा है, बीच में फिर वो repayment कर रहा है. But we will be getting 2 lakhs only, friends. Interest at the rate of 7%. Which is already given, 42, 28, 14, 42,000. और 4% का इंटरेस्ट कितना है हमारा? 16, 16, 16, लास्ट ईयर में चेंज हो जाएगा. ओके, कैश फ्लो 2 लाख प्लस 42 प्लस 16, 2,58,000. टू लैख प्लस 28 प्लस 16, 244, 2 lakhs प्लस 14 प्लस 16, 2,30,000, 2,16,000, अल्टीमेटली 2,08,000. अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लेंगे? 12%. So 1 divided by 1.12, that gives me 0.892. 797, 712, 636, or 567. 1,17,936.843,934 will be the amount at which we will show the staff ka loan. So this is nothing but mera loan amount kitna hai jo maine diya, loan amount that is 10 lakhs
हम लोग कितने पे इसको दिखाएंगे, फेयर वैल्यू ऑफ लोन 43,934. इट मींस ये जो आया एक्स्ट्रा हमने जो पे किया, इट इज 156,066, नथिंग बट प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट. क्या करने का? इट इज टू बी अमोर्टाइज्ड. प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट इज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर द टेन्योर ऑफ लोन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब कैन आई से हमारा 156,066 डिवाइडेड बाई 5, इट विल बी 31,213. बराबर है ना? हुआ क्या रहेगा, अमोर्टाइजेशन टेबल देख लेते हैं. ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस. हमारा स्टाफ लोन कौन से वैल्यू पे था? 843,934, दैट इज 31st December 1943,934. उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 843,934 इंटू 12%, इट वाज 1,12,72. और हमको पेमेंट मिला रहेगा, दैट विल बी नथिंग बट 2,58,000. वी आर लेफ्ट आउट विथ 6,87,206. फिर 31st दिसंबर 20 को 6,87,206. व्हाट हैपेंड 31st दिसंबर 20? Can I say this person has paid us 4 lakhs? तो पहला तो 2 लाख का नॉर्मल अपना वर्किंग के हिसाब से देख लेते इनटू 12% which is 82,464.72, that is 82,465. और हमको कितना मिलना मांगता था? 2,44,000. So we have to do the working as per this initial table only. हाँ, अभी जो 2 लाख एक्स्ट्रा मिला है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. दैट पार्ट विल बी नथिंग बट टुवर्ड्स द लोन एंड टुवर्ड्स प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, बिकॉज दैट मच बेनिफिट विल आल्सो बी रिमूव्ड. 5,25,671. 31st December 2020 को. यहां तक क्लियर हुआ सबको? नाउ दिस इज व्हाट आई डिड टिल नाउ. प्रोसीडिंग फर्दर, ऑन 31st December 2020, what is happening? There is repayment of 2 lakhs. This amount will be split into two part. Has to be split in two components. Namely, against loan and against prepaid staff cost. अब हमको पहला फाइंड करना पड़ेगा व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ न्यू लोन. Calculation of revised
caring value of new loan, or I can say of the existing loan. अब उसमें हमको कितना मिलने वाला है? 31st December 2021 को कुछ मिलेगा, 31st December 2022 को मिलेगा. प्रिंसिपल 2 लाख का मिलेगा, 7% वाला इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं. इफ यू लुक प्रॉपरली नवा के हिसाब से ओनली दिस टू थिंग्स आई विल बी गेटिंग. या सो इंटरेस्ट रेट द रेट ऑफ 7% ऑब्वियसली डैश. This is the principal amount. फोर परसेंट का 16,000 और 8,000. तो मेरा टोटल कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 2,16,000 एंड 2,08,000. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%. ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू. 2,08,000 इंटू 0.797 which is 165,776. I'm sorry. Plus 192,358,654. अब मेरा लोन नॉर्मली कितने पे था? 525,671. अब कितना होना चाहिए? 358,664. मतलब चेंज इन द लोन डिफरेंस इन द लोन अमाउंट इज नथिंग बट 5 लाख. कितना था? 25,671 माइनस 358,664. सो 525,671 माइनस 358,664 दैट गिव्स मी 167,007. मतलब 2 लाख में से 2 पार्ट करेंगे. एडजस्ट टूवर्ड्स लोन 167,007 और बाकी का एडजस्ट अगेंस्ट स्टाफ कॉस्ट, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट. ₹32,993. क्लियर बच्चा लोग? नाउ हमारा स्टाफ कॉस्ट का रिवाइज वैल्यू कितना हो जाएगा? रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ स्टाफ कॉस्ट. तो सबसे पहले स्टाफ कॉस्ट था कितना? 156,066 और 31,213 अमोर्टाइज हुआ रहेगा. सो आई विल से 156,066 माइनस वो अमोर्टाइज हुआ रहेगा 31,213 इंटू 2, 2 साल हुआ, और इसमें से 32,993 भी माइनस कर देंगे बिकॉज ये एडजस्ट होगा. जब हमको पेमेंट मिल जाएगा तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 लोन टू स्टाफ 167,007, टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट 32,993. सो 31,213 इंटू 2, 126,633. इसको टू बी रिटर्न ऑफ इन 2 ईयर्स. मतलब हर साल कितना चार्ज करने का? 63,316. 156, 31,213 into 2, 156,066 minus memory call minus 32,993.
आई एम सॉरी, हाँ टोटल में बोले हाउ कैन इट बी 120, इट हैज टू बी 60,647, 60,647 विल बी द अमाउंट जो हम लोग राइट ऑफ करेंगे, 156, इसमें से ए माइनस किया, इसमें से ए माइनस किया, या अब मेरा रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन टेबल, लोन गिवन टू स्टाफ, अमोर्टाइजेशन टेबल, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस, बरोबर। अभी हमारा रिवाइज बैलेंस रहेगा, रिवाइज बैलेंस इज 358,664। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स 31 दिसंबर 22 को 358,664 पे 12% इंटरेस्ट, दैट विल बी 43,040, पेमेंट तो 2,16,000 का ही है, December 2023, 185,704। अभी इधर हमको 2,08,000 लिख देने का डैश डिफरेंस इज इंटरेस्ट 22,296। सो अगर लोन रीपेमेंट होता है तो, बट ऑब्वियस द कॉन्सेप्ट वॉज कि इसको प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के सामने एडजस्ट करना, दिस इज माय सॉल्यूशन 5, वी फाउंड आउट द प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट और फिर ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ए लिमिटेड इश्यूज 1 करोड़ का कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऑन 1st July 2001। द बॉन्ड्स आर अ लाइफ ऑफ 8 years, आर हैविंग अ लाइफ ऑफ 8 years एंड अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। टोटल कन्वर्टिबल बॉन्ड का वैल्यू है 1 करोड़ and they offer interest payable at the end of each financial year at the rate of 6%. The bonds are issued at the face value and each bond can be converted into one ordinary share in A Limited at any time in the next 8 years. Companies of similar risk profile have recently issued debt with similar terms without option for conversion at a rate of 8% per annum. You are required to provide the appropriate accounting entries for initial recognition. Calculate the stream of interest expense across 8 years of the life of the bonds. Provide accounting entries if the holders of the bond elect to convert the bonds to ordinary share at the end of 3rd year. Please read the question. Very simple question, not a big stuff. And we have to do all the 3 things. Pahila to humko split karna hai. What is the fair value of the liability component or equity component find karenge. Aur fir 8 saal ka interest flow bata dene ka. Aur third mein humko usko kitna hamara इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो जर्नल एंट्री क्या रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस बिगिन विद दिस। सो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट। टोटल प्रोसीड्स रिसीव्ड, वन करोड़ लेस लायबिलिटी कंपोनेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल 1 करोड़, इंटू 8%, years 0.5403. फिर इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट आर वी पेइंग फ्रेंड्स? 6%, तो 1 divided by 1.08, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ₹6 lakhs into 5.7466, 34 lakh 77,000. 47,983. And here 54,03,000. काउंटिंग ऑफ कर दिया, सो व्हाट आई गेट इज 85,50,960. सो इक्विटी कंपोनेंट मिल गया, माय इक्विटी कंपोनेंट इज 85,50,960 14,49,040. This is our equity component. Okay. So the proceeds received is 1 crore. उसमें से liability component चला गया, equity component. ये जल entry. अभी accounting entry क्या होगा? Of course, bank account debit. One crore. टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स लायबिलिटी कंपोनेंट 88,50,960 टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इक्विटी कंपोनेंट 88 lakhs. इसका मतलब ये हो गया इक्विटी कंपोनेंट 3 लाख बढ़ गया, तो 11,49,000 दिस इज माय एंट्री, और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाएगा. 88,50,960 के ऊपर हम कंपाउंडिंग करते रहेंगे. आई होप यू वेरीफाइड द फैक्ट्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब अमोर्टाइजेशन टेबल. स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस,
year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opening balance plus interest minus payment, you get closing balance. Yeah, friends, I'll just give you an hint, and obviously you can do on your own. Hamara opening balance kya rahega liability ka? 88,50,960. Iske upar kitna interest jayega? Market interest rate ke hisab se 8%. Payment कितना हो रहा है? 6,00,000 का. It means we are having a closing balance of 88,59,037. इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट फ्रेंड्स कम्स टू 7,00,000. 88,59,000. Am I making some error? 88,50,960. Into 8%, that is 7,08,077 minus 6,00,000. Eighty nine fifty nine zero three seven. Into 8%, 7,16,723. Wapas 6,00,000 gaya. Into 8%, 7,26,061. I think now you can make the table. मैं 3 साल तक ही करेगा. उसका रीजन है कि 3 साल के बाद वो रीपर्चेस हो रहा है. ऑब्वियसली यू कैन मेक द टेबल, बट याद रखना जब टेबल मेक करोगे तो लास्ट में ये 10,00,000 हो जाना चाहिए. मेरा क्लोजिंग बैलेंस नॉट 10,00,000, 1 करोड़ हो जाना चाहिए. सो आई जस्ट राइट डाउन द अमाउंट. 92,01,820 पे आंसर है. राउंड ऑफ किया था, ये ध्यान रखने का. आई होप यू कैन जस्ट गो विद द टेबल. फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ एंड एट्थ ईयर. आई विल जस्ट मेक अ पॉइंट दैट हियर इट इज 1 करोड़. दिस हैज टू बी 1 करोड़. दिस टेबल कैन बी मेड अमोर्टाइजेशन टेबल. लेट मी जंप डायरेक्टली टू द लास्ट थर्ड पॉइंट. क्या पूछा है? प्रोवाइड अकाउंटिंग एंट्रीज इन द इफ द होल्डर्स ऑफ द बॉन्ड्स इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड टू ऑर्डिनरी शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तीसरा साल पे वो लोग बोलते हैं हमको हमारा ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बोलेगा? मैं बोलेगा बॉस व्हाट इज द एंट्री, नॉट एंट्री, व्हाट इज द बैलेंस. तुमने जो बॉन्ड्स अकाउंट लिखा था कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, उसमें तुम्हारा बैलेंस कितना है लायबिलिटी कंपोनेंट थर्ड ईयर के एंड पे. सो कैन यू से थर्ड ईयर के एंड पे 92,01,821 का बैलेंस है. फिर मेरा इक्विटी कंपोनेंट ऑलरेडी बुक्स में है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स. इक्विटी कंपोनेंट हाउ मच इज द इक्विटी कंपोनेंट? 11,49,040.
1149040. 2, of course, simple, ordinary share capital 9201821 + 1149040. My dear students, the ordinary share capital goes to 1,03,50,861. ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, वेरी सिंपल क्वेश्चन. पहला हमने बाइफरकेट किया, फिर स्ट्रीम बोलने का, और फिर कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी प्रोसीड फर्दर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी रिपीटेशन ही हो रहा है बहुत सारा चीज, बट एक रिवाइज हो जाएगा. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच हैव बीन पिक्ड फ्रॉम आरटीपी मॉक. वेदिका लिमिटेड इश्यूड 80,008% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स of 100 each on 1st April 2015. The debentures are due for redemption on 31st March 19 at a premium of 20%. Convertible into equity shares to the extent of 50% and balance to be settled in cash to the debenture holder. 50% is equity shares or baki ka cash mein. The interest rate on the equivalent debenture without conversion right is 12%. The conversion into equity qualifies as fix for fix. You are required to separate the date and equity components at the time of issue and show the accounting entries in the Vedika ka book at initial recognition only. The following present value of 8% bhi diya hai aur 12% bhi diya hai. When the question gives us the value, we have to go with the question, my dear students. Very simple. Fatafat khatam karte ho. Ek hi chhota sa point hai, which I'll let you know. Calculation of equity component. Proceeds received. What is the proceeds received? You issued 80,000 into 100, 80 lakhs less liability component 4 years. कितना principal है? 80 lakhs. लेकिन हमको सिर्फ 50% shares में देना है, बाकी का तो पूरा cash में ही जाने वाला है और प्रीमियम पे जाएगा. मींस 80 लाख्स. बस ये पॉइंट ध्यान रखना था कि इसका 50% ही हमको कन्वर्ट करना है, मतलब पूरा का पूरा नहीं जाएगा, मतलब कैश 50% ही जाएगा इनटू 120% फ्रेंड्स. और कौन सा रेट पे जाना चाहिए? यू आर गोइंग टू पे एट द एंड ऑफ व्हिच ईयर? Obviously, 5th year, 31st March 19, 15 se diya tha, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, yeah, 6, 3, 5, 6, 2, 5, I'm sorry, 5wa saal ka mat le lena. So it comes to 80 lakhs into 50% into 120% into 0.625. Exactly 30 lakhs. Chalo, idhar hi minus kar deta hu, jagah thoda kam hai. Waise hi dusra present value of interest component, interest payable. For 4 years, कितना interest pay करने वाले हैं? 8% pay करने वाले हैं? Point 887 plus point 788 plus point 701 plus point 625, which is nothing but cumulative 3 point. इसका cumulative किया 3.001.
तो फ्रेंड्स व्हाट वी विल बी गेटिंग इज नथिंग बट 80 लाख्स इनटू हाउ मच परसेंटेज 8% इनटू 3.001 80 लाख्स इनटू 8% 19,20,640 तो हमारा इक्विटी कंपोनेंट आ गया 80 लाख्स माइनस 30 लाख्स माइनस 19,20,640 3079,360 बस खत्म। एक छोटा सा एग्जाम में एरर ये हो सकता है कि हम ये पांचवा साल भी ले लेते हैं, बस ध्यान रखने का एग्जाम में। हाँ 15 और 19 चार साल का ही पॉइंट है। सो बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स। हाँ आई विल पास अ जर्नल एंट्री, क्वेश्चन ने बोला है इनिशियल अकाउंटिंग क्या होगा और 50% पे करना है, इतना याद रखना। बैंक अकाउंट डेबिट 80 लाख्स, 2 8% डिबेंचर, लायबिलिटी कंपोनेंट 2 8% डिबेंचर, इक्विटी कंपोनेंट और ऑफ कोर्स जो लायबिलिटी कंपोनेंट है उसका इंटरेस्ट स्ट्रीम बना देने का 30,79,360। तो बाकी कुछ 49,20,640 बरोबर फ्रेंड्स। सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन सेग्रीगेशन के ऊपर, एग्जाम में बहुत टाइम्स दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड बाय एडमायर लिमिटेड हुज डिटेल्स आर डिस्क्राइब बिलो। अज्यूम मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर अ डिपॉजिट ऑफ सिमिलर पीरियड टू बी 12% पर एनम। Date of security deposit 1st April, date of security deposit finishing date is 31st March, description lease, total lease period 5 साल, discount rate 12%, security deposit 20 lakhs, present value factor सब कुछ तो दे दिया है। What we have done, we have given a security deposit और वो security deposit हमने 1st April 14 को दिया, हमको वापस return हो जाएगा 31st March 19। Why did we give the security deposit? What is the purpose of giving an interest-free security deposit? Why did we give the security deposit? Of course, sir, in order to take the property on lease. So, of course, what are we supposed to do? We are supposed to find out what is the present value of the security deposit. Because jo main aaj de raha hai, wo mere ko milega after some period of time. 14, 15, 16, 17, 18, 19 मतलब 5 साल के बाद मिलेगा। लीज पीरियड 5 साल का है तो 5 साल के बाद अगर मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस रिफंड मिल जाएगा तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू इट, और उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी नथिंग बट माय प्रीपेड लीज पेमेंट्स। यही ढूंढना है हमें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई कैन से फॉर आवर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स trying to go through basic all those stuff which are available. The security deposit is an interest-free deposit redeemable at the end of the lease term. Which is 5 years. The amount of security deposit कितने का है रे? 20 lakhs. So that is 20 lakhs for us. This is collection of cash flow, of course contractual बोल सकता हूं,
and shall be accounted at amortized cost. हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट कितना है? 20 लाख. सिंपल. लीज पीरियड 5 years. डिस्काउंटिंग फैक्टर 12%. प्रेजेंट वैल्यू 567427. Therefore, present value of security deposit सीधा मल्टीप्लाई करने का 11,34,854. Prepaid lease payments. ये प्रीपेड लीज पेमेंट 5 साल में जाएगा 865146. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अभी आगे बढ़ता हूं. मेरा जर्नल एंट्री क्या होएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट 11,34,854. प्रीपेड लीज पेमेंट 865146. टू बैंक 20 लाख. दिस इज द जर्नल एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेते हैं इसका. वन टू थ्री फोर फाइव. ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट पेमेंट तो होता ही नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस इज 11,34,854. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. 11,34,854 इंटू 12%. 136,183. 12,71,037. 12,71,037 into 12%. 152,524. Fourteen lakh twenty three thousand five six one into 12%. 170,827. 15,94,388 into 12%. 191,327. So I get 17,85,715. 17,85,715. अब ये 20 लाख हो जाना चाहिए, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,14,685. 20 lakhs minus 17,85,315. 15,94,388. 191,327.
1785715. Calculating the accuracy, 1785715. Okay, done. ये हो गया हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल. सी दे हैव आस्क्ड अस टू पास एंट्रीज फॉर एवरी ईयर. आई विल जस्ट पास इट फॉर फर्स्ट ईयर. कि पहला साल में क्या एंट्री होएगा मेरा. कैन आई से फर्स्ट ईयर माय एंट्री विल बी नथिंग बट इंटरेस्ट एक्सपेंस. नॉट एक्सपेंस, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाने का है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट टू इंटरेस्ट इनकम जो फर्स्ट ईयर का रहेगा. फर्स्ट ईयर का कितना है इंटरेस्ट इनकम, 136,183. और जो लीज एक्सपेंस है, लीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस कितना प्रीपेड होगा. सो हमने फाइंड किया था हमारा 865146 डिवाइडेड बाय 5, 173030 हर साल, 173030. ठीक है, दिस आर द एंट्रीज टू बी पास्ड. लास्ट ईयर में क्या हो जाएगा, हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस रिफंड मिल जाएगा. सो दिस इज द एंट्री फॉर ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऑफ कोर्स फिफ्थ ईयर में एडिशनल पॉइंट लिखना पड़ता है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर. या नथिंग बिग स्टफ, वेरी सिंपल. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस, आरटीपी एंड ऑल दोस थिंग्स. जस्ट गेट्स यू एन आइडिया ऑफ ओवरऑल. अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी बिग चैप्टर. या सो आई एंड अप हियर नाउ. इफ यू वॉन्ट टू ग्लांस थ्रू द स्टफ व्हाट आई डिड फॉर क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन इट. And then, my dear students, we end up with this chapter only. Okay? So, thank you very much.